मैं चाहनी हाँ जे संगत की अरदास हो मेरे लिए जाना लोगों जोड़े ये काम करते हैं कि असी उन्होंने पूरने जोड़े साढ़े गुरुआ ने पाए है जिन्हों ने गुरुआ लिए कुरबानियां समझ के कीतियां अपनी आजादी के हक लिए कुरबानियां कीतियां धक्के बेइंसाफी लिए कुरबानियां कीतियां उन्होंने असी जो बाला नहीं तो थोड़ा जिन्ना भी असी कर सकते हैं वध तो वध असी करते जाइए। खालसा जी इन्ना जुल्म है इन्ना पंजाब दे विच जिहड़ी कहानी बिगड़ी है कोई भी इहनूं हत्थ पाउण नूं तैयार नहीं है। श्रोमणी कमेटी जी का यह फर्ज बनता सी घट्टो घट होर नहीं तो वह एक प्लेटफार्म ते खड़ के सिखां दी शहीद होए सिखां दी गिणती कर दिंदी जो 84 दे विच भी शहीद होए आ उहनां दे विचों भी जे तुसीं दरबार साहब जैर घर दे विच जाओ 300 लोकां दी 300 कुछ लोगों की लिस्ट लगी है जदों कि उहदे विच हज़ारां बंदे आ जिहड़े ओह इनोसेंट मारे गए ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਚੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ कुछ नहीं मंगते हो परिवार थोड़े को कुछ नहीं चाहते हो सिर्फ एक पछाण चाहते है तो एक इन्नी गल सुनना चाहते है कि तुसी कौम लिए कोई काम किया कदें उन्हां लोकां नूं हल्लाशेरी दिओ तां कि कौम नूं ये पीड़ा पैंदियां रहणियां अपना इतिहास है 300-400 साल के इतिहास के पंजाब के 3 घल्लूघारे हुए हैं तो किन्नियां कुरबानियां हुई घल्लूघारियां का कोई पता नहीं स्टेटां का कोई पता नहीं मूवमेंट जिहड़ी है कदे भी जिहड़ी कुरबानी तो बिना कोई भी जिहड़ी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती जे आपां इस गल नूं समझदे हां भी असी किसे वेले सानूं आजादी तो बिना गुजारा नहीं मैं तो समझदी हाँ कि आजादी तो बिना बेशक साडा निजी तौर पर जां कौम का बहुत सारा नुकसान होया पर मैं समझदी हाँ कि मूवमेंट तो बिना कुरबानी तो बिना फिर भी असी जिहड़ी आ इस मूवमेंट नूं इस आजादी नूं हासिल नहीं कर सकते इसलिए सानू प्री प्लैंड जिवें उह साडे ते हमले करदे आ सानू अवेयरनैस की बहुत ज़्यादा लोड़ है। मैं नहीं कहिंदी भी असीं हथियार चुक के ही लड़ना है हुण माओवादी आ जिहड़े उह 17 स्टेटां दे विच सरकार नूं घेरी आउंदे आ जिवें असीं 1947 दे विच इक धोखा खा गए हैं असीं साडे अगे जिहड़ी आजादी आ जां साडे अगे जिहड़ी इक सानू जिहड़ी गल कही गई सी कि तुसीं अपना खिता लै सकदे हो ते असीं उहनूं इगनोर कर बैठे हाँ इहो जिहियां इतिहासिक गलतियां असी दुबारा ना करिए इहो जिहियां गल्लां दा जिहड़ा ध्यान करना गुरद्वारे विच असी आउने आ असी अज जिहड़ा साडे कोले सिखां लई जां मेरे कोले भी इक्को एक प्लेटफार्म है इस धरती ते आ के अमरीका दे विच जिथे मैं सिखां नाल अपनी गल जां अपना दुख दर्द जां उहनां परिवारां दी सांझ जिहड़ी है उह मैं तुहानूं दस सकां इहो ही एक प्लेटफार्म है मेरे कोल तो मैं इत्थे ही अपील कर सकती हाँ तो इत्थे ही तुहानू जोर नाल कह सकती हाँ कि साडे नाल रल के असी तुहाडे कोल कुछ नहीं मंगते असी मॉरल सपोर्ट मंगते हैं। जे तुसी थां थां ते मुजाहरे ना किते हुंदे जे तुसी दुनिया दे विच सिखां दी पहचान ना बनाई हुंदी तो अज जिहड़ी पोजिशन दे विच अज आपां रह रहे हाँ अमनेस्टी इंटरनेशनल है जां UNO तक अपनी गल ये चलती है कि पंजाब नाल जिहड़ा पंजाब दे विच सिखां दी नसल कुशी हुई है इहदे विच बाहरले सिखां दा बहुत वड्डा योगदान है। मैं समझदी हां पंजाब दे विच लड़ाई साडी होर तरहां दी है असीं कानूनी लड़ाई लड़दे हां उत्थों कुछ हासिल करना चाहुंदे हां असीं इंटरनेशनल लैवल ते साडी गल जिहड़ी है उह उन्नी नहीं पहुँचदी जिन्नी तुहाडी पहुँचदी है। मैं समझदी हाँ कि तुसीं साडी इत्थे अंबैसी आ तुसीं 6 जून नूं उत्थे जाके मुजाहरे भी करदे हो तुसी गुरद्वारियां दे विच दिन भी मनाउंदे हो ये बहुत चंगी सोच ते बहुत चंगा साडा प्रभाव है जिहड़ा उह दुनिया दे विच जा रहा है ते मैं इस गल दी तुहानूं वधाई भी दिन्नी हां कि तुहाडे सहयोग दे नाल ही जिन्ना भी काम होया पंजाब दे विच तुहाडे लोक इत्थों जाके पंजाब दे विच जाके डाकूमेंटेशन भी करदे आ कि पंजाब दे विच होया की है जिन्हां नूं दर्द है पर जो गल अज मैं कहनी हां जिहड़ी मैं कहना चाहुंदी हां कि असी जिहड़ी साडी टीम है खालसा मिशन दी क्योंकि असी उस मिशन ते चलण दा अहद कीता है
तो असी उस चाहते हैं कि जे संगत साडा सहयोग करती रहे तो असी उन्होंने सिरे तक लैके जाना चाहते सिरे तक। जदों सरदार जसवंत सिंह खालड़ा का केस चलता सी तां उत्थे कोर्ट दे विच पंजाब पुलिस के जिहड़े लोग इनवॉल्व सी उन्होंने सानू एक चैलेंज दिता सी कि तुसी साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, असी बाहर आ जाना है तो फिर तुहानू वेखांगे। पर असी साडे कुछ लोगों ने उन्होंने चैलेंज दिता सी भी जे तो स्टेट ने तुहानू कोई थोड़ी बहुती सज़ा करती तो वैल एंड गुड, जे ना की तो असी उस तरह ही तुहाडे कोल अपना हिसाब मंगांगे जिवें तुसी साडे नाल कीती है। तो रही गल असी उदों तक तुहाडा पिछा नहीं छड्डांगे जदों तक तुहानू असी शमशान घाटां तक पहुँचा के नहीं आउंदे जिथे तुसी साडी नौजवानी नूं हज़ारां नौजवान जिहड़े साडे आ शमशान घाटां दे विच लावारस कह के साडे आ। इस चैलेंज नूं साडी टीम जां मैं असी दिन रात दोहराउंदे आ कि असी उन्हां जालमां नूं चाहे ओह KPS गिल होवे चाहे कोई स्टेट का बंदा होवे जिहड़ा साडियां भावनावां नूं कैश करके अपनियां जिहड़ियां साडियां मजबूरियां नूं भी ओह कैश करके ते जशन मनाउंदे होण, उन्हां लोकां दा पिछा असी उदों तक नहीं छड्डणा जदों तक साडे विच दम है जिन्ना तक साडे विच साह है। बहुतियां गल्लां मैं नहीं कर सकती इसलिए नहीं कि इहदे विच कोई मेरी मजबूरी है क्योंकि केस सरदार जसवंत सिंह खालड़ा का खत्म हो चुका है। 18 सालों के केस मुक्या है, इहदे विच कुछ लोग है जिहड़े उन्होंने उम्र कैद हुई है वह जेल के विच ने इस वेले। पहला थोड़िया बहुत पाबंदियां कोर्ट वालों साढ़े तो सी भी असी आ गल नहीं कर सकते। मैं किसी भी कोई मेरा वीर कोई भरा कोई बुद्धिजीवी कोई वकील किसी भी तरह की कोई गल मेरे को पूछना चाहता हो इस केस के वापरिया की है, इस केस के लंघे किमें हैं, की घटनावान इतने जैद हुई हैं, ये केस की खासियत की है, ये केस स्टेट वर्सिज स्टेट चलिया स्टेट ही स्टेट ना लड़ती रही असी न्याय कितों लगते हैं क्योंकि इस केस CBI वर्सिज पंजाब पुलिस सी। ये सारा केस डिफेंस के लड़िया गया पंजाब पुलिस ज स्टेट पंजाब सरकार ये कहती है कि सरदार जसवंत सिंह खालड़ा सानू किसी भी केस में नहीं सी चाहिदा इस करके असी इनू लिया नहीं, मतलब इस केस नू लड़द्या जिहड़ियां इहो जिहियां मुश्किल आईयां बहुत ज़्यादा वड्डियां मुश्किल सी। इन्हां मुश्किलों हटाने लई सानू बार बार कोर्टां विच स्टे जिहड़े उपर करा लैंदे सी फिर सानू तड़वाउणे पैंदे सी, इस तरह दीयां मुश्किलों विचों लंघ के फिर भी थोड़ा जिहा इतिहास दा सच असी तुहाडे सामने स्टेट दे सामने अपने दुश्मनां दे सामने जिन्हां ने साडे नाल इह गल्लां कीतियां उन्हां दे सामने भी रख्या। अज सरदार जसवंत सिंह खालड़ा दे कम नूं जां उन्हां शहीद परिवारां दी कुरबानी नूं कोई डिनाई नहीं कर सकदा कि जो पंजाब दे विच होया वो एवें कोई गल सी, इस सच नूं सुप्रीम कोर्ट राही कढ के उन्हां परिवारां नूं बेशक साडी लाश दा मुल जिहड़ा 2.5 लाख जां 2.5 लाख ही पिया है पर फिर भी पिया है, फिर भी सरकार ने इस गल नूं मन्निया कि पंजाब दे विच जिहड़ा जुल्म होया वो इस तरह होया। खालसा जी मैं चाहुंदी सी होर भी बहुत सारियां गल्लां करां पर यह है भी समय की मजबूरी है, एक थां असीं होर भी जाणा पर मैनू खुली मैं एक महीना इत्थे इस स्टेट के विच हैं, किसी बंदे ने भी किसी तरह का कंसर्न मेरे नाल करना होवे जां कोई गल मैनू पुछनी होवे जां मैनू कोई गल समझाउणी होवे भी सानू इह काम इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए तो मैं अपने आप नूं समझूंगी कि मैं मेरा यह सुभाग होगा कोई भी बंदा मेरे नाल इस विषय पर जिन्हों आम लोग छेड़ना नहीं चाहते जिहड़े आम पोलीटिकल लीडर जां आम साडे धार्मिक लीडर इस गल नूं इग्नोर करना चाहुंदे आ पर मैं इस सच नूं इस दुनिया दे वड्डे प्लेटफार्म ते रख के सुभागी समझूंगी तां ही मैं सरदार जसवंत सिंह खालड़ा दी पत्नी होण दा जिहड़ा माण है मैनूं मिलेगा जे मैं उहदे काम नूं दुनिया दे सामने रैकोगनाइज़ करूँगी ते अपना थोड़ा बहुता जिन्ना भी योगदान मैं पाउणा चाहुंदी हाँ वह मैं पाउंदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा।